आज हम लोग क्योंकि डार्केस्ट नाइट है और मूनलेस नाइट है, तो एस्ट्रो फोटोग्राफी करने वाले हैं, स्टार ट्रेस और मिल्की वे करेंगे। लेकिन एक डर है क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ भी हो सकता है, और सुनने में आता है कि भालू और हाथी यहाँ पर भी आते हैं। लेकिन अब ये जो मैनमेड वाला ब्रिज है, देख के डर तो लग रहा है, हिल भी रहा है, लेकिन क्या करें, क्रॉस तो करना पड़ेगा। लेकिन है स्टडी, बहुत स्टडी है, एंड फॉर्चुनेटली पानी ज़्यादा नहीं है अंदर, मतलब नी से भी कम ही है। अब बहुत ही अनफॉर्चुनेट के साथ कहना पड़ रहा है कि ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम कैमरा हाथ से स्लिप कर गया है। एक्चुअली कैमरा से नहीं स्लिप किया, क्योंकि हम रॉकी सरफेस से हैं, तो मेरा ये जो पावर बैंक है लगा हुआ था यहाँ पर, तो मैं जब जैसे पीछे आया तो खींच के गिर गया। आपको दिखाऊंगा कितना ऊपर से गिरा है, और मेरा जो लेंस है फिर से वो पूरी तरह से टूट चुका है। गुड इवनिंग एवरी वन, इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित एंड वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू लोकेशन एंड अ न्यू फोटोग्राफी ब्लॉग। वैसे बहुत लोग तो कहते ही हैं कि संबलपुर में कितना फोटो उठाओगे यार, तो चलो आ गया हूँ एक नई जगह पे। मंदिर है, पीछे पानी है, बहुत ही घना जंगल है, और क्या चाहिए हमें घूमने के लिए। वैसे हम लोग तो घूमने तो आते नहीं है, फोटोग्राफी के लिए ही आते हैं, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी फोटोग्राफी रहता है। तो मैं आ गया हूँ एक बहुत ही फेमस लोकेशन, सोनपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर खौणी कनपा पे। वैसे खौणी कनपा ये प्रोनाउंसिएशन सबके भाषा में अलग होगा, हम ओडिया लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन रहता है वो मोस्टली अंग्रेजी वाले लोग या हिंदी वाले लोग या कोई अलग लैंग्वेज के लोग ठीक से प्रोनाउंस कर नहीं पाएंगे, तो वैसे इसको बोला जाता है खौणी कनपा, खौणी कनपा जो भी बोला सकते हैं। वैसे खौणी का मतलब है बैंक साइड, मतलब जो रिवर का बैंक रहता है उसको खौणी बोला जाता है, और जगह का नाम है कनपा। तो वैसे एक मंदिर है यहाँ पर, एक स्ट्रीम फ्लो है, एक रैपिड कह सकते हैं, और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर एक रैपिड के ऊपर ही, मतलब एक स्ट्रीम फ्लो के ऊपर ही एक मैनमेड लकड़ी का, बैम्बूस का एक बनाया गया हुआ है ब्रिज, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे दिस इज़ नॉट द आइडियल टाइम टू विजिट दिस प्लेस, क्योंकि ये समर का टाइम है और ऑलमोस्ट यहाँ पर हर जगह पानी रहता है, बट अभी फ़िलहाल सूखा पड़ा है, तो बारिश के बाद से लेके विंटर के महीने तक यहाँ पर हर जगह पानी रहता है, तो टूरिस्ट बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। वैसे इसके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना श्योर हूँ कि फोटोग्राफी तो बहुत ही मज़ा लगने वाला है आज यहाँ पर करने के लिए। हालांकि वेदर जो थोड़ा सा क्लाउडी आपको देख सकते हैं है, तो वैसे रुकते हमेशा लग तो साथ देता ही हमारा, अगर नहीं होता तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि जगह बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं हूँ निशिकांत के साथ और संजीव भैया के साथ, संजीव भैया एक्साइटमेंट के कारण आगे निकल गए हैं और हम लोग का कुछ सामान रह गया, तो निशिकांत लेने गया है, तो उसको ला के फिर आगे चल के मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ और जगह दिखाता हूँ।
तो देखिए आ गया हूँ मैं ये सुंदर सा जगह जिसको खौणी कनपा कहा जाता है। वेल डोंट बॉदर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, ये कौन सा भाषा में, संबलपुरी में तो यही कहते हैं, हर अलग भाषा में शायद अलग प्रोनाउंसिएशन रहेगा, लेकिन हम लोग इसे खौणी कनपा कहते हैं। जैसे खौणी के बारे में बताया, बैंक्स ऑफ द रिवर को खौणी कहा जाता है और कनपा ये शायद विलेज का नाम होगा, तो मैं इसके बारे में उतना डिटेल्स तो नहीं जानता, लेकिन वो ब्रिज का बात कर रहा था जो एक मैनमेड ब्रिज है और बारिश के महीने में, ठंडी के महीने में क्या गजब का नज़ारा आता है। अब आप सोच सकते हैं कि अभी भी पानी आ रहा है, दिस इज द मंथ ऑफ मे और मे में हर जगह वाटर क्राइसिस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी देखिए कितना सुंदर तरीके से पानी बह रहा है। लॉन्ग एक्सपोजर करने का मेरे को मन कर गया है, पानी का डिपॉजिट भी बहुत ही बढ़िया है, तो आई थिंक दूर पे कहीं जाने से, एक्सप्लोरेशन करने से हमें वाटरफॉल भी मिल सकता है, लेकिन आज वो नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग क्योंकि डार्केस्ट नाइट है और मूनलेस नाइट है, तो एस्ट्रो फोटोग्राफी करने वाले हैं, स्टार ट्रेस और मिल्की वे करेंगे, लेकिन एक डर है क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया है तो वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ भी हो सकता है, और सुनने में आता है कि भालू और हाथी यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन अगर फॉर्चुनेट रहे तो नहीं एनकाउंटर करेंगे, अनफॉर्चुनेट रहे तो एनकाउंटर करने से भी वाइल्ड लाइफ लेंस पकड़े उससे उठा लेंगे फोटो, तो बस आप वीडियो को देखते रहिए। पहला लोकेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलो फोटो ले लेते हैं। वैसे बताऊँ तो बहुत जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है, ड्रोन उड़ाने के चक्कर में मैं बहुत सारे मोमेंट मिस कर गया हूँ। तो चलो पहला मैं अपना शॉट के लिए बैठा दिया हूँ अपना Z8 के साथ कैमरा 1530 विद 10 स्टॉप ND फिल्टर, और चलो आपको अभी फिलहाल मैं दिखाता हूँ कंपोजिशन कैसा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट कंपोजिशन, जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये जो पीछे एक पेड़ है, ड्रामेटिक स्काई है, पानी का मूवमेंट है, मतलब अगर मैं 10 स्टॉप का ND फिल्टर लगाता हूँ तो अच्छा खासा एक लॉन्ग एक्सपोजर आ सकता है। तो दिखाता हूँ आपको फ्रेम कैसा रहेगा। तो मैंने लेफ्ट साइड पे ये पेड़ को रखा हुआ है, मिडिल पे पत्थर रखा हुआ है, और जैसे कि बैकग्राउंड पे स्काई को मैंने स्पेस थोड़ा दिया हुआ है क्योंकि मूवमेंट है अभी स्काई में, क्लाउड्स में मूवमेंट है और थोड़ा हवा भी दे रहा है। तो 60 सेकंड्स टू 90 सेकंड्स के अंदर एक शॉट लेता हूं तो शायद मेरा एक अच्छा शॉट आ सकता है। तो चलो अब फिलहाल यहां का शॉट ले लेते हैं पहले। अब ये जो मैनमेड वाला ब्रिज है, देख के डर तो लग रहा है, हिल भी रहा है, लेकिन क्या करें, क्रॉस तो करना पड़ेगा, लेकिन है स्टडी, बहुत बहुत स्टडी है, एंड फॉर्चुनेटली पानी ज़्यादा नहीं है अंदर, मतलब नी से भी कम ही है, तो खैर इसको क्रॉस तो करना पड़ेगा। अब यहाँ से निकलता हूँ आगे की तरफ, कंपोजिशन देखेंगे। अब आ गया अपने सेकंड कंपोजिशन पे, भाग भाग के हालत ख़राब हो गया है, पत्थर है, देख देख के आना पड़ेगा, ऊपर से मेरा बल्की बॉडी, थैंकफुली आज ग्रिप वाला मैं सैंडल पहन के आया हूँ, तो
चलो ठीक ठाक पहुंच तो गया लेकिन लेट पहुंचा हूं। संजीव भैया का शॉट गजब निकला है और मैं ये वाला लेने वाला था, उनका शॉट बहुत ही सुंदर आया है। चलो अपन भी कोशिश एक बार कर लेते हैं। चलो पहले आपको फ्रेम बता देता हूं, जैसा कि देख सकते हैं ये नीचे वाला इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैंने ये रॉक्स को प्लेस किया है। पीछे पे एक सुंदर सा कलर आ रहा है, वैसे सनसेट हो चुका है तो आफ्टर सनसेट के कलर्स बहुत अच्छे थे, ब्लू मैजेंटा की ह्यूज दिखाई दे रहे हैं। पीछे पे माउंटेन भी एक है और स्काई तो अच्छा खासा दिख रहा है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और यहाँ का एक अच्छा सा लॉन्ग एक्सपोजर शॉट ले लेते हैं। वैसे आपको सेटिंग्स के बारे में बता दूं तो अभी जो बता रहा है F8 ISO 64 और 1/25 सेकंड बता रहा है मुझे, लेकिन एंडी फिल्टर 10 स्टॉप यूज़ करूंगा तो मैं 60 सेकंड से 90 सेकंड तक स्ट्रेच कर सकता हूं। तो चलो शॉट ले लेते हैं इसका पहले। अब बहुत टाइम हो गया है, फ्रेम बैठा दिए हैं, बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि बैक का मेरा चैन ख़राब हो गया था, उसके बाद कुछ सामान भूल गए थे, उसके चलते बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया है। अब देखिए 7:40 हो गया है, 7:45 से नाइट आवर स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए मैं अभी आपको फ्रेम तो दिखा नहीं पाया लेकिन फिर भी आपको ट्राइपॉड दिखा देता हूं, वही एक फ़ोटो आपको अटैच कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं बेसिकली फ्रेम ऐसा होने वाला है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और चुपचाप शॉट स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक 11 से 11:30 बजे तक अपन लेंगे फ़ोटो। 4 घंटे में मेरे हिसाब से 480 शॉट्स आना चाहिए, अगर उसके जगह 400 भी शॉट्स आता है तो मोर देन एनफ रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, पीछे यहाँ पर भी वाइल्ड फायर देखने को मिला है, ऊपर से थोड़ा सा हेज है और बहुत सारे लोग आके नहा के जा रहे हैं तो उनका लाइट भी आ रहा है। आई थिंक आधे घंटे के अंदर उनका एक्टिविटी तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी शॉट, अगर आधे घंटे में 25 शॉट भी बर्बाद होता है, 300 शॉट एटलीस्ट अगर मिल जाता है तो अपना शॉट बन जाएगा। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए, हम जा रहे हैं, आप चुपचाप बैठ के आराम से रुके रहेंगे और सीधे मिलते हैं आपको 11:30 बजे। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक दिक्कत हो रहा है कि जो फिशरमैन है वो रात भर जब से स्टार्ट किए हुए शॉट तब से जाल बैठा रहे हैं। अब इनको हम मना तो नहीं कर सकते क्योंकि दिस थिंग्स आर देयर लाइवलीहुड और अपने लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि तब से बड़े बड़े लाइट मार रहे हैं तो शायद 1 घंटे से जो हम लोग शॉट ले रहे हैं अभी 8:30 से ज़्यादा हो चुका है और सारे शॉट्स ये बर्बाद होंगे। तो होपफुली अगर ये लोग निकल जाते हैं 9:30 के अंदर भी, तो अगर 2 घंटे का शॉट भी मिल जाता है तब शायद कुछ ना कुछ शॉट हो पाएगा अपना। अभी हमें अनफॉर्चुनेटली 10:45 को कैमरा के शॉट रोकना पड़ा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वाइल्ड फायर तो एक प्रॉब्लम था ही, लेकिन यहाँ पर फिशरमैन रात भर लाइट जला के नेट बिछा रहे हैं तो उसके चलते जहाँ पर हम लोग फ्रेम बैठाए थे वो कम्प्लीटली बर्बाद हो गया। मतलब गिन के 50 शॉट भी अच्छे नहीं आए हुए हैं और ऊपर से देखने को भी मिल रहा है कि बादल भी फर्स्ट लेयर पर बहुत सारे भर गए हैं। तो बताऊँ तो मोटा मोटी आज का ये नाइट वाला अटैम्प्ट फेलियर रहा। फिर भी हम लोग 12 बजे तक रुकेंगे क्योंकि 12 बजे के बाद मिल्की वे आना स्टार्ट हो जाएगा मेरे पीछे के साइड में, तो एक कंपोजिशन वहाँ का भी पहले सोच के रखे हैं। तो अब देखते हैं वहाँ पर, अगर वो भी नहीं आता है तो फिर अपना फिर से रास्ता नापना पड़ेगा। मारो अब बहुत ही अनफॉर्चुनेट के साथ कहना पड़ रहा है कि ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम कैमरा हाथ से स्लिप कर गया। एक्चुअली कैमरा से नहीं स्लिप किया क्योंकि हम रॉकी सरफेस से हैं तो मेरा ये जो पावर बैंक है लगा हुआ था यहाँ पर, तो मैं जब जैसे पीछे आया तो खींच के गिर गया। आपको दिखाऊंगा कितना ऊपर से गिरा है और मेरा जो लेंस है फिर से वो पूरी तरह से टूट चुका है।
अब ये तो अलग बात है कि आज का शॉट जो है बिल्कुल कैंसिल हो जाए, क्योंकि मैं टैमरन का ये लेंस था उसके साथ सैमहैंग का लेंस लेके आया नहीं हूँ, तो अच्छा खासा फ्रेम भी बैठा रहा था, मैं काफ़ी मुझे मज़ा लग रहा था वो शॉट को देख के, तो एक्साइटेड भी था और मिल्की वे आने भी लगा है और तुरंत ये हादसा हो गया। तो खैर ये तो मैं कहूँगा एक पार्ट ऑफ लाइफ ही है, क्योंकि हम एक ऐसे मतलब काम करें, एक ऐसे प्रोफेशन में हैं कि हमारे गियर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं। अब ये अलग बात है कि इसका रिकवरी कैसे होगा ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये भी सच बात है कि व्लॉग बनाना तो बंद तो नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन ये जो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी का है, मैं आपको शायद महीने भर से दिखा रहा हूँ 1530 के कितने अच्छे अच्छे शॉट्स थे, शायद मेरा नज़र मुझे ही लग गया है, तो अब क्या कह सकते हैं उसको। तो जो भी हो, अब आगे वीडियो देखते रहिए, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं मेरा 24:70 लगा के, हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ 24:70 F4 के साथ अच्छा मिल्की वे आएगा। एक तो फोकल रेंज जो है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा 24mm पे, और उसके बाद जो है 24:70 F4 लेंस है, तो ये 2.8 था, एक स्टॉप का लाइट भी लूज़ होगा, और क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड फायर लगे हुए हैं, थोड़ा हेज भी है, स्मोक भी है, तो शायद फ़ोटो नहीं आ सकता। खैर वहाँ पर जाता हूँ मैं और फिर दिखाता हूँ, उससे पहले आपको दिखाता हूँ कहाँ पर गिरा है। अब चलिए आपको ड्रॉप का इम्पैक्ट दिखाता हूँ, कितने ऊपर से गिरा हुआ है। अगर ये एल ब्रैकेट नहीं रहता तो शायद अभी कैमरा भी बचा नहीं रहता, बहुत ज़ोरों से इम्पैक्ट हुआ है, करीब करीब 6 फीट से ऊपर से गिरा हुआ है और पूरा पथरीला इलाका था, तो लेंस तो डैमेज हुआ ही हुआ बिल्कुल। अब मैं टेस्ट कर दिया हूँ तो उतना खास तो रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एल ब्रैकेट में डैमेज हुआ है, स्क्रीन पे प्रोटेक्टर था बोल के बच गया, एक ये मेमोरी कार्ड का जो कवर है ये कम्प्लीटली डैमेज हो गया है, मतलब इसका रबर ग्रिप ही डैमेज हुआ है, अंदर सब कुछ ठीक है। और बाकी रहा एल ब्रैकेट के नीचे भी यहाँ पर डैमेज हुआ है, जोर का गिरा है, और बाकी लेंस पे ही इम्पैक्ट जो हुआ तो उसका टैमरन का फ्रंटल एलिमेंट जो है वो बिल्कुल ही डिसलोकेट हो गया है। अब उसको रिपेयर करना मतलब बहुत ज़्यादा खर्च लगने वाला है, लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप लैंडस्केप्स करते हैं तो पहले देख के कीजिए, उसके बाद इस तरह का एक हैवी ड्यूटी वाला एल ब्रैकेट तो मस्ट है, ये स्मॉल रिग का है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा गियर्स टूटा हुआ है, मैं ये प्रमोशन काइंड ऑफ थिंग क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आज ट्रूली बता रहा हूँ कि ये शायद एल ब्रैकेट नहीं होता तो कैमरा बहुत ही ज़्यादा डैमेज लिया रहता। यहाँ पर मिट्टी विट्टी घुसा हुआ था तो अब उसको साफ कर दिए हैं, हॉट सू पे भी इम्पैक्ट हुआ है लेकिन बच गया है, और ये सच में बताऊँ तो ये एक टेस्ट काइंड ऑफ हो गया है निकॉन Z8। एक्चुअली मैं क्योंकि मेरा निकॉन D810 भी 2 बार गिरा हुआ था, बहुत ही सीवियर ड्रॉप हुआ था, उसको भी कुछ नहीं हुआ था, और Z8 के साथ भी अभी यही हुआ ही है, और जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर डैमेज अच्छा खासा हुआ है, लेकिन इंटरनल्स में शायद मेरे हिसाब से कुछ डैमेज नहीं हुआ होगा। अब तो रात के समय में है, रिज़ल्ट पता नहीं चल रहा है, सुबह एक्सपेरिमेंट करूँगा तो ठीक ठाक लगेगा, और आई थिंक सेंसर पे भी कोई शायद इशू नहीं हुआ होगा, क्योंकि लेंस तो सारा इम्पैक्ट ले लिया है, और ये छोटा सा जो बटन है, हाँ ये तो पुश वाला है, और सेंसर सील लगा हुआ है तो ज़्यादा कुछ डस्ट भी नहीं उड़ा होगा। तो खैर आज का जो शॉट है यहीं पर रोकते हैं, अभी वैसे भी मन ख़राब हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज का जो व्लॉग था दैट डिडंट एंड ऑन ए गुड नोट, और कुछ हादसे हुए, बट फाइनली कुछ मिल्की वे मिल गया, लेकिन 24:70 में वो कोशिश किया था, 50mm में कोशिश किया था, 50mm से जो स्काई का बस आया 24:70 में आया, बट नॉइज ही आया, तो ये तो होता ही रहता है। खैर जो भी हो, आप बताइए आज का व्लॉग कैसा लगा,
खड़ी कनपा के बारे में आपको कैसा लगा? नया प्लेस मैंने आपको दिखाया, बहुत कुछ किया जा सकता था। वाइल्ड लाइफ की यहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, इन फ्यूचर में भी फिर से आना यहाँ पर पसंद करूंगा। मे भी इन मानसून और विंटर्स पे आना जरूर पसंद करूंगा। और अगर आप सोनपुर के पास रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप यहाँ पर पहले आ चुके हैं, और आए हैं तो क्या पिकनिक्स के लिए आए हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर बाहर से भी कोई लोग हैं, सोनपुर से 40-50 किलोमीटर के अंदर भी रहते हैं, तो मैं उनसे श्योर कहूंगा कि आप यहाँ पर आएंगे ठंडी के महीने में या फिर बारिश के महीने में, तो आपको बहुत ही एंजॉयमेंट मिलेगा। तो बस आज इतना ही था आज के ब्लॉग के बारे में। इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।